योगी की बैठक खत्म हुई, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डेंगू और कोविड को लेकर बैठक खत्म हुई है। सीएम ने संचारी रोगों के लिए बैठक की थी जो अब खत्म हुई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डेंगू के रोकथाम के लिए सर्विलांस जरूरी, सीएम ने कहा है। हर जिले में बनेंगे डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक खत्म हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेंगू और कोविड को लेकर बैठक खत्म हुई। सीएम ने संचारी रोगों के लिए बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। डेंगू के रोकथाम के लिए सर्विलांस जरूरी, सीएम योगी ने कहा है। हर जिले में बनेंगे डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में सीएम योगी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी मयूरी, आज सुबह 11 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पे जो उनकी टीम 9 के साथ जो बैठक हुई थी, जिसमें और भी बड़े पदाधिकारी थे, साथ विभाग के अधिकारी हों, चाहे उनके मंत्रिमंडल में और भी मंत्री हों, ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी उसमें मौजूद है। तो सूबे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये एक जरूरी बैठक की गई थी, जिसमें बहुत कुछ दिशा निर्देश, बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके डेंगू के फैलाव में कौन सी चीज़ें जो हैं वो घातक साबित हुई हैं, क्या रवैया रहा है स्वास्थ्य विभाग का, या फिर कई सारी चीज़ों पे इस पर चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री ने इस पर आज समीक्षा बैठक की जो खत्म हो चुकी है, इसमें कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसमें सबसे अहम दिशा निर्देश ये है कि पूरे जिले में, मतलब पूरे प्रदेश के हर एक जिले में डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनने का दिशा निर्देश दिया गया है, आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि पूरा प्रदेश इस समय डेंगू से जूझ रहा है। बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ भी 1200 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। पूरे प्रदेश में 8000 से ज़्यादा ही संक्रमितों की संख्या अब तक हो चुकी है। तो इसके लिए डेंगू के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की सुविधा जो है जल्दी मुहैया कराई जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने ये जरूरी आदेश दिए हैं कि डेंगू से बचने के लिए घर पे जाके स्वास्थ्य विभाग की टीम जो घर पे जाके स्क्रीनिंग करे मरीजों, जो अस्पताल में जो मरीज हैं उनको ना कि दवाइयाँ को भी पूरी सुविधा हो, उनके बेड की भी पूरी सुविधा हो, ऐसा कोई मरीज ना हो जो संचारी रोग का मरीज हो, जो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाए अस्पतालों में जाने के बाद। कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बेड नहीं होती है या फिर दवाइयाँ नहीं होती है, मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती। तो इस पर भी जो है एक मिशन मोड पे जो है मुख्यमंत्री इस पर काम कर रहे हैं डेंगू को लेकर। और आज इस बैठक में कई दिशा निर्देश भी जारी किए अधिकारियों को, दिशा निर्देश दिए, जिसमें से अस्पतालों की बेहतरी और मरीजों की बेहतरी और बेड की उपलब्धता से लेकर दवाइयों की उपलब्धता तक की बात की है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सपा का प्रतिनिधि मंडल कानपुर पहुंचा, कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात हुई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 सदस्यीय टीम पहुंची कमिश्नर ऑफिस। सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा कानपुर कमिश्नर ऑफिस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात हुई। 11 सदस्यीय टीम पहुंची कमिश्नर ऑफिस।